ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بنا پرا اڑاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے
ते मौला जिन्ना तेरा पूहा छाड़ दिता उन्हां जितियां बाजियां हारियां ने। मुख्तसर हमदो सलात तो बाद इस जहान रंगो बूद अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला दी कुदरत दे बड़े बड़े शाहकार ने जिहड़े सानू अल्लाह दी मारफत करवांदे ने। बारिश दा आना, बारिश दा रुक जाना, सूरज दा तुलू होना, सूरज दा गुरूब होना, दिन दी सफेदी, रात दी तारीकी, हवावां दा आ जाना, हवावां दा चले जाना, मौसमां दा बदल जाना, ये सारे दे सारे अल्लाह पाक दी कुदरत दे बहुत बड़े बड़े शाहकार ने। इंसान दा मर जाना भी अल्लाह पाक दियां निशानियां विचों एक निशानी है, लेकिन इंसान दा जिंदा रहना ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि एक इंसान नूं जिंदा रहने वास्ते कई चीज़ां दी लोड़ है। ऑक्सीजन दा हर वक्त मिलदिया रहना, अख इंसान दी हर वक्त झपकती रहे, एक मिनट भी ना रुके, इंसान दे वजूद अंदर खून दी गर्दश है, एक लम्हा भर भी रुकनी नहीं चाहिए, इंसान दे दिल दी धड़कन है, लम्हा भर वास्ते दिल दी धड़कन दा रुकना मुनासिब नहीं, इंसान दे बौलो बरात दे मसाइल ने, अगर इंसान दा छोटा पेशाब बंद हो जाए परेशानी है, बड़ा पेशाब बंद हो जाए परेशानी है, और फिर इन सारिया चीज़ां नू एक लैवल ते रखना, खून दी गर्दश वध जावे ये भी बीमारी है, खून दी गर्दश घट जावे ये भी बीमारी है, इस खून दी गर्दश नू इंसान दे वजूद दे लैवल दे मुताबक रखण वाली जात केड़ी है? अल्लाह दी जात। मेरे मोहतरम भाईओ, इंसान दे दिल दी धड़कन तेज हो जावे ये भी बीमारी है, दिल दी धड़कन स्लो हो जावे ये भी बीमारी है, इंसान दे दिल दी धड़कन नू इहदी जिंदगी दे लैवल दे मुताबक रखण वाली जात केड़ी है? अल्लाह दी जात। मेरे मोहतरम भाईओ, इंसान दा सारा वजूद अल्लाह पाक दी कुदरत दा इतना बड़ा शाहकार है कि दुनिया दा कोई बंदा इंज दा शाहकार पेश कर ही नहीं सकदा। तुसी सारियां गल्लां छड़ दिओ, कल्ली अख ही वेख लो, इंसान दी अख ओ विंडो है, ओ अलमारी है जिहदे तो इंसान नूं ए जहान नजर आंदा है, और मां दे बतन तो निकलन तो लग के कबर दे बतन विच जान तक ये अलमारी खुली है, ये विंडो खुली है, ये दरवाजा खुला है, ए कदी बंद नहीं हुंदा, ए तो इंसान हमेशा वेखदा है, जागदा रवे ते जहाने लाजवाब वेखदा है, सौ जाए ते सुहाने ख्वाब वेखदा है, हर वक्त चल रही, एक सेकंड में इंसान की अख, ए जड़ी अख बंदे दी है ना, एक सेकंड अंदर 12 दफा चपकदी, इनू चपकण दी ताकत अता करन वाला कौन है? अल्लाह पाक दी जाते पाक है कि जिन्हें इंसान दे वजूद दा बेहतरीन शाहकार पैदा फरमाया है, जिन्हों अख क्या जाता है। इस वक्त दुनिया दे ना
दुनिया के बड़े बड़े कमालात ते बड़े बड़े साइंसदाना अपना पूरा खपा करके ते तीन तरह के कैमरे बनाए ने, एक आम कैमरा, एक SLR कैमरा, एक DSLR कैमरा। DSLR कैमरा दुनिया का गजब का कैमरा है और इसके सामने लगने वाला लेंस महंगा तरीन लेंस ये अगे ला दो तो कहते ने जी ये क्या बात है। लेकिन जिहड़ा काम दुनिया का बेहतरीन कैमरा कई सकिंटा च करता है अल्लाह की दिती हुई अख उ काम एक सकिंट के तीसरे हिस्से करके विखा देती। कोई एक शाहकार है रब्बे कायनात। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर बार 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 इस अख की नेमत का जिक्र किया है। आंख को अरबी में आईनुन कहते हैं, आईन ये ते नून आईनुन, और ये कुरान करीम में 9 बार लफज आया। और अरबी में चश्मे को भी आईन कहते हैं, पानी का चश्मा है ना जेड़ा, उन्होंने भी अरबी चाइनुन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान की अख ते चश्मा इको जी, चश्मे विचों भी पानी निकलता है ते कदी कदी इंसान की अख चों भी पानी निकलता है। ये बात की गल है कि अख चो निकल वाला पानी केदे डर तो निकलता है ते केदे खौफ तो निकलता है ते केदी जुदाई तो निकलता है। आई अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान करीम ते गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादर होण वाला अल्लाह पाक दा कुरान बयान करदा है। फरमाया अलम नजअल्लहू अईनैनि वलिसानम वशफतैनि वहदैनाहुन नजदैन। फरमाया अलम नजअल्लहू अईनैनि, असी इंसान दो अखां अता फरमाइया, वालिसान एक जबान अता फरमाई, वशफतैनी दो होंठ अता फरमाए। अल्लाह पाक ने नेमतां दे अंदर 5 नेमतां दा जिक्र फरमाया, दो अखां दो होंठ ते एक जबान, किन्नियां हो गईयां? 5 नेमतां हो गईयां। इन्हां 5 नेमतां दा शुक्रिया अदा किवें करना है? अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ लिया कर मैं राजी हो जावांगा। अल्लाह अल्लाह जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया तू पा लिया आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दिया। रहमान दी गल मन बड़ा नजारा है जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड़ दे आदतां बेनमाजी होके मरन दियां तू पा ले आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां मेरी गर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादरन वाला अल्लाह दा कुरान दूसरा मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने वजअला लकुमुस्समा वल्लबसारा वाला अफ़ीदा कलीलम मा तशकुरू।
फरमाया कायनात दे लोगो असी इंसानू कान अता कीते ने, असी इंसानू अखां अता कीतियां, असी इंसानू दिल अता कीता, कन भी दिते ने ते समात भी दिती है। कईयां कोल कन ने पर समात कोई नहीं, अखां भी दितियां ने ते बसारत भी दिती है। कईयां कोल अखां है ने पर बसारत कोई नहीं, अल्लाह दिल भी दिता है ते तफक्कुर तदब्बर भी दिता है। कईयां कोल दिल मौजूद है लेकिन तफक्कुर तदब्बर कोई नहीं। फरमाया कन सारिया नू दिते ने, अखां सारियां नूं दित्तियां ने, दिल सारियां नूं दित्ता है, पर शुक्र सारे करदे, शुक्र सारे नहीं करदे, शुक्र कोई कोई करदा है। अल्लाह सानूं सारियां नूं अपना शुक्र गुजार बंदा बनाए। अल्लाह 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 तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू लाइका काना अनु मसूला। फरमाया कायनात दे लोगो ये जड़ा दिल है ना, ये जड़ी समात है ना, ये जड़ी बसारत है ना, इन्हां दे मुतलक कियामत वाले दिन पुछया जाना है। कन्ना चो सुनिया ते की सुनिया, अखां तो वेखिया ते की वेखिया, दिल नाल तफक्कुर तदब्बर कीता ते की कीता, दिल विच फोटो किंदी बसाई रखी, दिल विच यादां दी महफल किंदी लाई रखी, दिल विच यादां दा डेरा किंदा लाई रखिया। कुल्लू लाइका कानानुहु मसूला, अखां दा इस्तेमाल गलत ना करिया कर, कन्ना दा इस्तेमाल गलत ना करिया कर। जेड़ा रब अख दे सकदा है रब अख लै भी लै भी सकदा है। अल्लाह पाक अखां खोण ते भी कादर ना। सूरह यासीन अंदर फरमाया फरमाया वलौ नशा लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबकु सिराता फान्ना युबसिरून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया सी चाहिए अखां दी बिनाई खत्म कर देइए, अखां दा चश्मा बंद कर देइए, अखां चो नजर कुछ ना आवे। फाना तुम सरून फिर किवें वेखोगे, किवें जहान रंगो बोदियां तियारतां करोगे। ओए अल्लाह दी कसमे अगर अल्लाह पाक अखां दी बिनाई खोलवे, दुनिया दी सारी ताकत रड़ के बंदे नूं अखां दी बिनाई लुटा सकदी नहीं, लुटा सकदी। अल्लाह वाला कहिंदा है कुदरत वल्लों एक अख हो जावे काणी, कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी डाणी, दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला, गुरु सारे आ जाण हर गुर दा चेला, फिर जोर लगावे अकेला अकेला, कदी बन न सके गाए काख दा डेला, जे नकली डेला कोई बना भी दवेगा ओदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा, बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा। जिन्ने तैनू सब कुछ मुफत विच अताया, तू ए सानो दे दा की मुल पाया। फरमाया फाबी आई आला दुनिया ते अख दी कीमत एक बंदे दे बराबर है।
और कयामत वाले दिन अल्लाह दे हां अख दी कीमत पता किन्नी है। ऐ नबी करीम दियां दो हदीसां ते गौर करना, इहनू असीं मामूली जी शै समझने आ, इहदा असीं इहदा इस्तेमाल गलत करने आ, इहदी हिफाजत नहीं करदे। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने अगर को बंदा किसे बंदे नू कतल कर देवे, अगर को बंदा किसे बंदे नू मार देवे, ते कतल दा बदला कतल होएगा, यानी बंदा मारिया है ते बदले दे विच बंदा मारिया जाएगा। दो तरीके ने, या ते कतल दे बदले कतल होएगा, ते दूसरा तरीका केड़ा है? फरमाया दूसरा तरीका है वे मकतूल दे वारिस मन जान ते फिर दियत देनी पैगी। दियत किन्नी है? एक बंदे दी दियत 100 ऊंट ने 100 ऊंठ, एक ऊंठ अगर 1 लाख रुपये का भी लाया जाए, हालांकि 1 लाख तो ज्यादा कीमत है, आप थोड़ी जी रख के कीमत ला लेने, 1 लाख रुपया भी कीमत ला दी जाए तो 1 करोड़ रुपया बनता है। हजरात दी वकार है, नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा किसे बंदे दियां अखां दाया कर देवे, जिन्नी दियत पूरे बंदे दी होएगी उन्नी दियत दो अखां दी होएगी, यानी दो अखां अल्लाह पाक ने दियां कीमती बनाईया। और अल्लाह दे हां इहदी कीमत की है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने जेड़े बंदे दियां 2 अखां जाया हो गईयां, अखां दी बिनाई चली गई, अखां च नजर कुछ नहीं आंदा, अल्लाह पाक ने दियां अखां दी बिनाई लै लई है, अल्लाह पाक दा गिला नहीं करदा, अल्लाह पाक दा शिकवा नहीं करदा, लोकां दे सामने मालिकुल मुल्क दा गिला नहीं करदा, बल्कि अखां दी बिनाई दे जान ते सबर करदा है। फरमाया कल कयामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार अंदर आएगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैं तेरियां 2 अखां दी बिनाई लै लई, तू सबर कीता, तू शुकर कीता, आज मेरे कोल तेनू दिन वास्ते इको बदला है। अल्लाह की बदला? फरमाया जा तो अखां लेके मैं तेनू जन्नत दे छड़िए। अल्लाह के हां आंखों की कीमत जन्नत है, एडी कीमती शया एदी कदर करिया कर, हिफाजत करिया कर आख दी। मेरे नबी अली सलातो सलाम आंखों में इसमत सुरमा डाला करते, आंखों की हिफाजत किया करते। हुण ते सुरमे वाला रवाज ही मुक गया, जे पा ही लईए ते बंदे पुछ लेंदे ने जी इधर तुहाडे आले पासे कोई ट्रक डुलिया है सुरमे दा, अज तां सुरमा डोईयां नाल ही पाया। तरह तरह का मजाक हुंदा है, मजाक नहीं भाई, आंखों में सुरमा डालना अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है, और आंखों के लिए आंखों की सेहत के लिए बेहतर है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार कर। ये भी कोई अखां की हिफाजत नहीं ना कि बंदा 3 घंटे फिल्म वेखदा रहे, 3 घंटे बंदे की नज़र गंदियां फिल्मों पर लगी रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी के करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने पुराने जमाने का एक बंदा गुजरिया है, पुराने दौर का एक बंदा अल्लाह की इबादत कर लग पै, एक पहाड़ी के उत्ते चढ़ के एक गारे गार दे अंदर अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह पाक ने गार दे दरवाजे दे अगे एक पानी का चश्मा पैदा कर दिता, गार दे दरवाजे दे एक पासे अल्लाह पाक ने अनारां दा पौधा पैदा कर दिता है, ना अपनी कुटी विचों गार विचों बाहर निकलता है, अनार खा लैंदा है जदों भुख लगती है, पानी पी लैंदा है
जो प्यास लगती है तो फिर अंदर जाके अल्लाह की इबादत कर लग जाता है। इबादत करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा किन्ने साल इबादत की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे ने 500 साल अल्लाह की इबादत अंदर गुजारे, 500 साल अल्लाह की इबादत करता रहा। अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर एक दिन दुआ करता है, अल्लाह सुनिया मैं चाहना वा मैनू मौत आए ते सजदे दियां हालत दे अंदर मैं सजदे दे विच पिया होवां ते मेरी जान निकल जाए। अल्लाह एक दिन सजदे दे विच पियाए हालत सजदे दे अंदर मौत आ गई ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह की अदालत अंदर बंदा लियांदा जाएगा। अल्लाह पाक फरमाणगे मेरे बंदे नू मेरी रहमत नाल जन्नत विच ले जाओ ना। ते बंदा कहेगा अल्लाह रहमत मैनू नहीं चाहिए, मैनू ते अपने अमाल दे बदले जन्नत चाहिए है। 500 साल तेरी इबादत अंदर गुजारे कोई काम नहीं किया, कोई काज नहीं किया, कोई मसरूफियत नहीं रखी, अनाज का एक दाना खाता रहा वा तेरी इबादत करता रहा वा, चश्मे तो पानी पीता रहा वा तेरी इबादत करता रहा वा, सजदे की आदत अंदर जान दी है हजे भी तेरी रहमत कोई ना मैनू जन्नत मेरे अमाल दे बदले चाहिए है। अल्लाह पाक मुस्कुरा के फरमान गए फरिश्ते एक निका जा काम करो इहदी एक अख कढ लो, कढ के एक पलड़े च रख दियो, दूसरे पलड़े के अंदर 500 साल की इबादत रख दियो। मेरे नबी पाक ने फरमाया जदो इंज कीता जाएगा नेकियां कट जानगियां अख दी नेमत बढ़ जाएगी। एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत कम है, एक आंख की कीमत ज्यादा है। रो पेगा बंदा रो पेगा अल्लाह दे हुजूर रो के कहेगा या अल्लाह अल्लाह मैनू अपने अमाल नाल नहीं मैनू अपनी रहमत नाल जन्नत दे दे। असी भी दुआ करने या अल्लाह सानू अपनिया नेकियां दा कोई मान नहीं, अल्लाह सानू अपनिया तकरीरां दा कोई गुरूर ते तकबर नहीं। मौला करीमा तू तौफीक देना है ते आ जाने आ, तू तौफीक देना है ते सजदियां च डिग पैने आ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ओदी तौफीक तो बगैर बंदा कुछ नहीं कर सकदा। अल्लाह सानू अमाल नाल नहीं सानू अपनी रहमत नाल जन्नत दता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह साडे बेच कीड़ा है कमाल रखे आ, साडे बेच कोई नहीं कमाल रखे आ, अल्लाह दिया रहमत संभाल रखे आ, अल्लाह दिया रहमत संभाल रखे आ। ओ दे दे बे जिड़ा कर चीज़ दे दीन तो, ओ बार दे बे जिड़ा कर चीज़ दे दीन तो, अल्लाह नहीं जे कदी भी कंगाल रखे आ, अल्लाह दिया रहमत संभाल रखे आ। आका दिया कदम च दिल एवें रखिए, इत्थे यार नू दिल दित्ती फिरदा है, आका दिया कदम च दिल एवें रखिए जिवें सोने आका दे बिलाल रखे आ, अल्लाह दिया रहमत संभाल रखे आ। अल्लाह खु अकबर अल्लाह बंदा रो पेगा अर्ज करेगा अल्लाह मैनू अपने अमाल नाल नहीं मैनू अपनी रहमत नाल जन्नत अता फरमा दे। ये रवायत में थोड़े सा कलाम है, इसकी इसके माने को एक और हदीस तकवीयत देती है जो सही हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रावी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा दुनिया का कोई बंदा रब की रहमत तो बगैर जन्नत च नहीं जाएगा, हद तक मैं मुहम्मद भी रब की रहमत नाल जावा।
अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करते जाना दरा मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना मैं दस रहा अख दी नेमत किड्डी वड्डी नेमत है अल्लाह पाक किस नेमत दा शुक्रिया अदा करम दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह जड़ी आखे ना एदे दो फितने ने जिवें कीमती बड़ी है ना एवें इहदे रौले भी बड़े ने इहदे मसाइल भी बड़े ने अख दे मोटे मोटे दो फितने ने किन्ने फितने दो फितने एक फितना अख दा बंदे दा ईमान लै जांदा है दूसरा फितना अख दा बंदे दी जान लै जांदा है दो फितने इतने बड़े ने एक नाल बंदे दी जान जा सकती है एक नाल बंदे दा ईमान जा सकता है पहले जिद नाल ईमान जांदा फितना सुन लाओ हजरात दी वकार ओ किहड़ा तरीका ते किहड़ा फितना है जिस फितने दे जरिए बंदे दी जान जा सकती है अल्लाह बंदे दा ईमान जा सकता है ना हजरात दी वकार ओ अख दा इस्तेमाल गलत करना अख चो पराइयां बीबियां नूं तकना अख चो जनाब बुरियां औरतां वल नजर पानी लंघदा जांदा है कुड़ियां वेखदा जांदा है टुरिया जांदा है लोकां दीआं धीआं भैणां तकदा जांदा है ये बड़ी गंदी बीमारी है ये बड़ी बुरी बीमारी है ते बड़े बड़े बंदिआं नूं बीमारी है अखां दीआं लोकां दीआं धीआं भैणां तकना ये कम बड़ा बुरा है अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम यहफ़ज़ू फरमाया महबूबा मोमिनीन नूं कह दिओ अपनियां अखां नीवियां रखिया करन अपनियां अखां अंदर गैरत पैदा कर लैन अपनियां अखां अंदर हया पैदा कर लैन अपनियां अखां अंदर शर्म ते बरम पैदा कर लैन अल्लाह लौरे हुक्म जिहड़ा कला मर्दां नूं नहीं अल्लाह पाक ने बराबर हुक्म औरतां नूं भी दिता फरमाया बकुलिल मुमिनाती यगज़ुज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन्न महबूबा मोमिनात नूं भी कह दिओ औरतां नूं भी कह दिओ वह भी अपनियां अखां नीवियां रखिया करन अपनियां अखां विच हया पैदा करिया करन कई सैकुलर बंदे कहिंदे ने कई रोशन ख्याल बंदे कहिंदे ने लो जी अख विच की पिया है बंदे दा दिल साफ होना चाहिदा है जिहड़ा बंदा ये कहिंदा है अख विच की रखिया है दिल साफ होना चाहिदा है वह कुरान दीआं इन्हां दोवें आयतां दा इनकार करदा है ओए अगर गल दिल दी हुंदी तां रब अख नीवी करन दा कहिंदा क्यों अल्लाह ने तां आखिया है गल अख तो चलदी है दिल ते पहुंचदी है दिल तो चलदी है बंदे दे ईमान दी बर्बादी कर जांदी रौला चलता ही अख तो आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए गल चलती अख तो है ये कहिंदा अखां च की रखिया दिल साफ होना चाहिए अल्लाह जे रब अल्लाह पाक ने फिर क्यों आखिया भी अखां नीवियां रखो अल्लाह तां आखिया क्योंकि रौला अख तो चलदा है मामला अख तो चलदा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा करदे सन ओए दुनिया दे लोगो जवानां नूं हुक्म दित्ता जवानां नूं वसीयत फरमाई हजरत सुलेमान पैगंबर ने मेरा बेटा सप दा मगरा कर लै मेरा बेटा शेर दा मगरा कर लै सप दे पिछे पिछे टुर जाओ शेर दे पिछे पिछे टुर जाओ पर किसी औरत दे पिछे पिछे नहीं टुरना किसी औरत दा मगरा नहीं करना जनाब दे सुलेमान जी दा नुकसान की गए फरमाया तू शेर दे मगर टुर शेर मुड़ के हमला करे तू सप दे मगर टुर सप मुड़ के हमला करे ते तेरी जान जा सकती है ते जे औरत पिछे मुड़ के हमला कर देवे तेरा ईमान चला जाएगा इमाम दी बर्बादी हो जाएगी औरत दा पिछे पलट के हमला करना बंदे दियां नेकियां बर्बाद कर देंदा है बंदे दियां मालदा कर देंदा है हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह तआला ने अपनी मुसनद किताब अंदर वाकिया लै करके आए मिस्र दा एक नौजवान है ना बड़ा सोहना नौजवान है बड़ा जनाब खूबसूरत नौजवान है अल्लाह ने जिवें शक्ल सोहनी दिती है एवें आवाज भी सोहनी दिती है ना संभालिया कर अपनी आवाजा नूं संभालिया कर अपनी खूबसूरती नूं संभालिया कर
अपने हुसन ते जवानी नो इंज जवान बन के वखा जिवें मिस्र दा जवान बनिया जिवें जनाब दे यूसुफ ने जवानी नू संभालिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिवें अपनी जवानी दी कदर कीती बड़ा सोहना नौजवान है आवाज बड़ी खूबसूरत है मिस्र दी जामिया मस्जिद दे उत्ते चढ़ के ना स्पीकर ते हुंदे नहीं एक चबूतरे दे उत्ते खलो के अदान कहिंदा है जदों अदान कहिंदा है लोग कम छड़ के अदान सुनन लग जांदे ने एडी प्यारी आवाज इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह अल्लाह एक दिन अदान कहन वापते चढ़िया जनाब दिन दे वक्त मस्जिद दी छत ते हय्या अलस्सला हैया लल फला ते नाल जनाब मस्जिद दे गवांड पड़ोस एक ईसाइयां दा घर है उस घर विच खूबसूरत दुशीदा बैठी है लड़की बैठी है ना सीधी नजरों दे ते जा पई दिल दा की ए रौला ते अख तो चलदा है सीधी नजर पई उस लड़की ते उहदे हुसन दा सीर बन गया उहदे हुसन दा गुलाम बन गया अदान मुकम्मल कीती ते थल्ले उतर आओ सीधा घरे गया उहनां दा दरवाजा खटखटाया ते कहिंदा जी मैं निकाह करना चाहना वा मैं तुहाडी बच्ची जिहड़ी बेटी है ना तुहाडे मैं उहदे हुसन दा गुलाम ते असीर हो गया वा ते मैं चाहना वा उहदी शादी मेरे नाल हो जाए उहदा रिश्ता मैनू दे दिता जाए घर वाले आखे ते ना मुमकिन है तू मुसलमान है ते असी ईसाई हाँ तेरा साडा मसलक मनज मजहब नहीं डरदा ते असी किवें तेनू रिश्ता दे सकने हाँ वह कहिंदा रिश्ता दे दियो मैं मुर्दा तो हो जावांगा तू माड़ी जी गल समझना आख दा जिहड़ा नुकसान है दीन छड्डन लई तैयार हो अज भी कई इंज दे नौजवान मौजूद ने है ने ऐसे नौजवान जिन्ना अख ना लड़कियां नू वेखिया उन्ना दे हुसन दे गुलाम दे असीर हो गए और फिर नमाजा छड़ी बैठे ने कई दाड़ियां मनाई फिरदे ने कई जनाब दाड़ियां दा कतल कीती फिरदे ने क्यों मेरी मंगेतर ने आखिया है मेरी गर्लफ्रेंड ने आखिया है ओदे पिछे लग के तू सुन्नत दा कतल करना है रौला अख तो चलदा है दिल ते पहुंचदा है दिल तो चलदा इंसान दे इमाम दी बर्बादी कर जांदा अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं जिन्ना बातां दा जिक्र ये निका फितरा नहीं बड़े बड़े बंदे मुबतला ने इहदे अंदर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नमाजी मुबतला ने अल्लाहु अकबर वेखी जाना नजरां पा के वेखी जाना अल्लाह 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 नबी पाक सलातो सलाम के दौर च एक बंदा है तो सिर पाटिया पर मैं खैर हो कहिंदा जी मैं बाजार च टुरिया जा रहा सा एक औरत ते नज़र पै गई मैं वेखी गया उधर ते अगे दीवार च वज्जिया ते सिर पाट गया नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक कई गुनाहों की सजा बंदे नू फौरन दे छड़दा है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार कहिंदा मैं मुर्ता दो जाना इस्लाम छड़ देना तुसी रिश्ता दे दो ना क्या फिर ठीक है अल्लाह 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 इस्लाम छड़ दिता दीन छड़ दिता मुर्ता दो गया निकाह दी डेट रिश्ता पक्का हो गया शादी की तारीख जनाब मुकर्र हो गई है हजरत इमाम मेरे कईम फरमांदे ने मकाम की छत ते चढ़िया है किसी काम की गर्द नाल पैर फिसलिया है ते जमीन तिया गिरया मणका टूट गया जान निकल गई है ना इधर के रहे ना उधर के ही गम ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम नेकियां भी गईयां ते जनाब नदाना भी गईयां ते नमाजा भी गईयां ईमान भी गया ते सब कुछ बर्बाद हो गया नतीजा का दाए नतीजा अख दे फितने दाए इस बात ते वीर सुनिया अपनी अख विच गर्द पैदा कर लै अपनी खंदर हया पैदा कर लै अपनी अख नूं शर्म ते भरम वाला बना लै ये अख दा पहला फितना जिहड़ा बंदे दा ईमान लै जांदा है अख दा दूसरा फितना किहड़ा है हज़रात मोहतरम इंसान की अख का दूसरा फितना इंसान का इंसान की जान लै जाता है ये बड़ा वड्डा फितना है इहनू कहिंदे ने नजरे बद का फितना नजरे बद का फितना नजरे बद बंदे दा बंदे की जान लै जाती है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कार काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐनु हक्कुन नबी पाक फरमा
फरमाते ने नदरे बाद हक है, नदरे बाद लग जाती है। अल्लाह अकबाला तूरी दुर्रा जुलाल कबरा वल जमल किदरा। नबी पाक फरमाते ने नदरे बाद दा सरेटा बुरा हुंदा है, नदरे बाद चंगे भले बंदे नू कबर विच ले जांदी है। वल जमल किदरा और जनाब चंगे भले ऊठ नू हांडी विच ले जांदी है। पर अगे मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्ना हक सारा हलाक उम्मती फिलाइन, मेरी उम्मत अक्सर बंदियां दी मौत वाके होएगी ते नजरे बाद दी वजह तो वाके होएगी। मेरी उम्मत दे अक्सर बंदे मरन गए नजरे बाद दी वजह तो मर जाएंगे। इनू छोटी गल न समझिया कर, इनू मामूली गल न समझिया कर। नजरे बाद बंदे नू मौत तक लै जांदी है, बंदे नू कबर अंदर लै जांदी है। और जिथों तक मेरा तजिया ते मेरा तजर्बा ते मेरा मुशाहिदा है, अज जनाब हर चौथा पंजवा बंदा नदरे बाद दा शिकार है। हर चौथे बंदे दी दुकान नदरे बाद दी शिकार है। हर चौथा पंजवा बच्चा नदरे बाद दा शिकार है। हर चौथी पंजवी औरत नदरे बाद दी शिकार है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वाप दे नदरे बाद दे मामलात को समझना बड़ा जरूरी है, नदरे बाद दा बायोडाटा समझना बड़ा जरूरी है। मैं चंद मिनटां दे अंदर तैनू समझाना चाहना वा ताकि तेरी बापियां तो जान छुट जाए, ताकि तेरी तवीतड़ियां तो जान छुट जाए, ताकि तेरी ना रौड़ियां कौड़ियां तो जान छुट जाए ना। आ सुन जरा मुहब्बत दे नाल नदरे बाद कहिंदे किनू ने, नदरे बाद दा माना है वे कोई बंदा किसे बंदे वल नजरां गाड़ के वेखण लग पैंदा है, हसरत दियां भरियां नजरां दे नाल, हसद दियां भरियां नजरां दे नाल किसे बंदे वल नजर पा के वेखणा कि नजर गाड़ लैणा उहदे हुसन ते, नजर पा लैणा उहदी जवानी ते। कोई बच्चा छोटा जा खूबसूरत लगिया है, इंज किसी औरत ने उहदे ते नजर गाड़ लई है ना, हसद दी भरी नजर ना वेखी है, बच्चे नूं नजरे बद हो जांदी है ना। किसे दा कारोबार बड़ा चंगा लगा है, उहदे कारोबार ते इंज हसद दी भरी नजर पाई है ना, नजरां गाड़ लईआं ते नजर लग गई। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मक्के दे काफर अपनियां नजरां दे तरीके शिकार करिया करदे सन। अल्लाह दा कुरान बयान करदा सूरा कलम अंदर फरमाया वा इन यकादुल लजीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यकूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। फरमाया महबूबा ये मक्के दे काफर तुहाडे वल नजरां फाड़ के वेखदे ने, टिकटकी लगा के वेखदे ने, ये तुहानू तुहाडे काम विच फिसलाना चाहते ने। माजल्ला ये अपनियां नजरां दे जरिए तुहानू नजरे बंद दा शिकार करना चाहते ने। माजल्ला हजरात दी वकार और पहली गल हसद भरियां नजरां नाल किसे नू वेखना ही नहीं चाहिए। जे वेखना है तो मुहब्बत भरी नज़र नाल वेखो, और अगर किसी की जवानी चंगी लग गई, किसी के चेहरे की रंगत खूबसूरत चंगी लग गई, कोई बच्चा सेहतमंद नज़र आया तो कह दो माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, ये बच्चा कितना प्यारा है, माशाल्लाह जी कारोबार बड़ा चंगा है, माशाल्लाह तुसी बड़े खूबसूरत जवान हो, माशाल्लाह कह लगे कोई जान निकलती है। लेकिन इतने साडे माशरे च हर दूसरा तीसरा बंदा हसद दा भरिया होया, काशकार नूं किसे दी काशकारी चंगी नहीं लगती, दुकानदार पसंद नहीं करता ऐ नाल वाले बंदे दी दुकान चल जाए, बीबी पसंद नहीं करती इहदा खामद इहदे नाल चज नाल बोल जाए, जिहदे कोल पुत्तर नहीं वो अल्लाह के दुआ घट कर दिए ते हसद बहुता कर दिए, जिहदे कोल कारोबार नहीं वो कारोबार की तलाश घट करदा है, दूसरियां दियां लत्तां खिंचण दी बहुती कोशिश कर। ऐ तुसीं तजर्बा कर लो, जिस बंदे कोल जिहड़ी नेमत नहीं ना वो उस नेमत नूं हासिल करन दी जायज तरीके नाल कोशिश घट करेगा ते उहदी कोशिश होएगी भी नाल वाले दी दुकान बंद हो जाए। भावें ये समझदा भी सारी रोज़ी इधर आउंदी पई है, अल्लाह पाक माद अल्लाह होर रोज़ी दे ही नहीं सकदा। हाय 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 नजर नजर के अंदर हसद ना भरो,
नजर के अंदर अपनी नजर अंदर हसरत ना रखो, बल्कि नजर जिन्हों भी वेखना है कोई चीज चंगी लगनी है की कहना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा लिहाजा सब तो पहला अपनी नजर नू साफ करो पाक करो हसद तो पाक कर लो। अल्लाह इस तो बाद अगर किसी बंदे नू नजरे बद हो जाए तो पता किवें लगेगा इस बंदे नू नजरे बद हो गई है। हज़रत दी वकार नजरे बद दियां तीन अलामत ने, तीन अलामत तिना तरीक पता लगाया जा सकता है किस बंदे नू नजरे बद दे। पहला तरीका जिस बंदे नू नजरे बद हो जाएगी उहदे चेहरे रंग बदल जाएगा, रंग फक हो जाएगा, रंग जर्द हो जाएगा, रंग जनाब असलियत तो हट जाएगा। जिस बंदे का रंग जर्द हो गया है, जिस बच्चे का रंग बदल गया है, समझ लो उस बच्चे नू ते उस बंदे नू नजरे बद। सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला ना बयान कर दिया ने नबीए करीम सलातो सलाम को एक बच्चा लिया गया। अल्लाह के पैगंबर ने उस बच्चे के चेहरे वाल देखिया ते नबी पाक फरमाते इस बच्चे का रंग बदल गया है, इस बच्चे नजरे बद हो गई है, लिहाजा नजरे बद का इलाज करवाया जाए। लिहाजा हदीसे पाक को अलामत साबित हो गई, रंग बदल जाए समझ लो नजरे बद, रंग फक हो जाए समझ लो नजरे बद, रंग असलियत तो हट जाए बच्चे का या बंदे का समझ लो नजरे बद। नजरे बद की दूसरी पहचान की है ऐसा बुखार ते ऐसी बीमारी जड़ी बंदे दे वजूद अंदर घर कर जाए। दवाइयां बड़ियां लईयां आराम नहीं आया, मेडिसन बड़ी इस्तेमाल की आराम नहीं आया, समझ लो इस बंदे नू नजरे बद हो गई है ना। नबी करीम सलातो सलाम दे एक सहाबी ने जिसम बड़ा प्यारा है, जवानी बड़ी है, बड़ा खूबसूरत जवान है ना, ते जनाब तालाब विचों नहा के निकलिया है ना, एक बंदा वेख के कहन लगा वाह भाई वाह क्या जिस्म है क्या जिस्म है। सुभान अल्लाह ये सानू भी आदत है ना, असी सुभान अल्लाह माशाल्लाह इंज दी गल ते मुंह चुके असी पिन एडा सोहना एडा सोहना मुंडा एडी सोहनी गड्डी बस ऐ कह के उस अगले बंदे का बेड़ा गर्क कर लेने, एडा प्यारा जिसम। रावी बयान करदा आज होर कल होर उन्हूं बुखार हो गया, इन्ना बुखार होया इन्ना बुखार होया कि बंदा हड्डियां दा ढांचा बन गया। नबीए करीम सलातो सलाम को लियांदा गया, मेरे आका फरमांदे ने लगदा है इस बंदे नू नजरे बद हो गई है। अल्लाह लिहाजा पता लगा बुखार दा हो जाना ऐसी मर जड़ी बंदे दे वजूद विच घर कर जाए, दिन ब दिन बंदे नू कमजोर कर जाए नजरे बद। नंबर तीन तीसरी अलामत ऐसी बीमारी जड़ी बीमारी किसे रिपोर्ट अंदर नहीं आती, किसे दी समझ अंदर नहीं आती, वह बीमारी नहीं हो नजरे बद। अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा ये तीन अलामत हो गई हूँ। जनाब नजरे बद का इलाज की है, एक अमली इलाज एक दम वाला इलाज, एक अमलन करन वाला इलाज, एक दम नल करन वाला इलाज। अमलन करन वाला इलाज की है, नबी करीम सलातो सलाम दी अजीत ज़ाबत है, अगर तुहानू पता लग जाए कि फलां बंदे दी नजरे बद मैनू होई है, फलां बंदे दी नज़र लग गई है लग जाती है, वो की कहिंदे ने बच्चे नू मां दी भी नज़र लग जाती है ना, लग सकती है नजरे दे अंदर कोई गर्ज नहीं। अल्लाह अल्लाह तुहानू पता लग गया है कि फलां बंदा जरा नजरे बद मैनू लग गई है ना, उस बंदे दे कोल जाओ, उस बंदे नू आखो वजू कर लै, बंदा वजू करेगा, उहदे वजू वाला पानी लै करके आओ। ते जिहड़ा बना मुतासरा बंदा है नजरे बद दा शिकार बंदा है ना, उस बंदे दी इत्थों पेशानी वाले पासों पानी बैग ते डाल देना है, फिर उहनूं कहना नहा लवे। नबी करीम सलातो सलाम दा दसिया तरीका है, इहदे नाल नजरे बद खत्म हो सकदी है ना। औखा तरीका है औखा है, तो जिहड़ा जनाब बाबा देवे भी आ तवीत लै जाओ बारह छित्र सुबह मारो बारह छित्र शाम मारो वो नहीं औखा, आ तवीत लै जाओ तो पेटी थले रख दियो वो नहीं औखा, आ लै जा बीबी तवीत ते कब्रस्तान दे किसे कब्र च दब के आ वो नहीं औखा, ऐ औखा लगता है। कब्रस्तान जाना सौखा है, ऐ निक्का जिहा कम करना औखा लगता। असी असल विच नबी करीम अलैहि सलाम दे तरीकियां वल आंदे ही नहीं,
जिहदी वजह तो कई दियां हट्टियां चलिया ने, कई दियां दुकानां चलिया ने, कई जनाब सिंगल शाह तो डबल शाह बन गए ने, कई डबल शाह तो ट्रबल शाह बन गए ने। लोग हुण दम तुगां तुर पए, हुण जुत्तियां ते आ गए। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ मैं जिन्ना बातां दा ये बातां समझण वालियां अल्लाह जानता है तरीके सिख लो तुहाडी जान छुट जाएगी। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा अमली तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया मुतासरा बंदे दे उत्ते पानी डाल दिता जाए वनू आखो ना आ लवे नदरे बद मुक जाएगी। ऐ जे सहाबी दा मैं तुहाडे सामने जिक्र कीता है नाम नबी करीम अलैहिस्सलाम को लियांदा गया पर मैं नदरे बादे पता लगा फलां बंदे दी नदरे बादे उस बंदे को वुजू वाला पानी लिया गया इंज करके जिसम ते डाला गया आज होर कल होर बंदा तंदुरुस्त हो गया वो बंदा सेहतमंद हो गया उहदा बुखार चला गया बीमारी खत्म हो गई। लिहाजा नदरे बद का इलाज ये एक तो ये तरीका अमली तरीका। अब सुनिए नदरे बद का दम वाला तरीका बार दफा पता भी नहीं लगता किड़ा बंदा जड़ी जड़े बंदे दी नजरे बंद हो गई है बच्चे नू या किसी बड़े बंदे नू नजरे बंद हो गई है उदा तरीका की है। हज़रत तेजी वकार एक ते दम याद कर लो ना निके निके बच्चियां वास्ते दम याद कर लो अंग्रेजी रटन वाले हो ए निका जा दम याद कर लो बड़िया बड़िया शेर ते मुशायरे रटन वाले हो ए निका जा दम क्यों नहीं जे याद कर दे तुहाडे बच्चे अस्पतालों च रुड़ गए ने कई बच्चे नजरे बंद दी वजह तो मर गए ने कई बच्चे नजरे बाप की वजह तो सोकड़े का शिकार हो गया ने कई बीबिया अज तक गोल खादी लैके बैठिया ने नदरे बाप की वजह तो गोद हरी नहीं होंगी नदरे बाप की वजह तो रात की वकार बड़े बड़े थावान से धक्के खा लै जे वो यार बंदा 15 रुपया की फक्की भी तो लैके बस बिचों बतौर अजमैश के वरत लेंदा है कभी नबी पाक का दसा तरीका भी तो अजमा लिया करना। मेरे नबी पाक सलाम ने दसिया है मेरे आकर सलाम ने बच्चिया पूरी नहीं बन दी इत्थे बंदे इंग्लिशां रटन वाले बैठे ने इत्थे बंदे जनाब किताबा रटन वाले बैठे ने एडिया एडिया किताबा रटना ए दम नहीं निका जे याद कर सकता। वही जुकुमा बे कलिमात इल्लाह तामात मिन कुल शैतान हामा व मिन कुल عين लामा बड़ा लम्मा सारा है बड़ा उखा है। अल्लाह अल्लाह सुबह शाम अपने बच्चों नु दम करया कर अल्लाह दे फजल नाल बच्चा नजरे बाद तो बच जाए। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह ते वड्डा बंदा वड्डे बंदे वास्ते की करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे होए दम याद कर लो बिस्मिल्लाह ए याद कर लो ए लिख लो और जनाब अज दी रिकॉर्डिंग ले लो और जनाब दे ना दमा नु याद कर लो। अल्लाह 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 तवज्जो करना दराओ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास्मिही शैयन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अली। सुबह 7 मरतबा पढ़ लिया कर शाम 7 मरतबा पढ़ लिया कर अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम आखिर तक आयतुल कुर्सी। सुबह 7 मरतबा पढ़ लिया कर शाम 7 मरतबा पढ़ लिया कर आखिरी दो कुल याद कर लै कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ दे। जदों चंद यहूदी औरतों ने मेरे पैगंबर ते जादू करन दियां कोशिशां कीतियां अल्लाह पाक ने आसमान तो उम्मत दी रहनुमाई लई दो आयतां नादल कर दित्तियां ये दो सूरतां नादल कर दित्तियां वड्डे तो वड्डा जादू मुक जाएगा वड्डे तो वड्डा टूणा खत्म हो जाएगा। ये कौन ऐ लाजक वी अज तक मैनूं समझ विच नहीं आया जिहड़े कहिंदे ने इस बंदे नूं ते काले इलम दा जादू हो गया लिहाजा काले दा तोड़ काले नाल होएगा गंदगी का इलाज गंदगी नाल होएगा। ये कितों का तरीका है कभी गंद गंद नाल साफ होया है ये नवा लॉजिक है भी गंद नूं गंद नाल साफ करो
नपाकी नूं नपाकी नाल साफ करो, एक शह नपा के उहनूं नपाकी नाल साफ करोगे साफ हो जाएगी। काला इलम है जी, काले इलम दा काले इलम नाल ही होएगा। क्यों? ये सब ड्रामे ने, ये सब रोटी कमाण दे चक्कर ने। साडे अंदर दा रूह कमजोर हो गई है, अपनी रूह नूं ताकतवर कर। किसी की जरूरत की है? कोई बंदा होवे, कोई शैतान होवे, तेरे ते हमला कर जाए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। आखिरी दो जनाब कुल याद कर लै। सुन लग्या इन करके फूक मार रही हूँ और अपने पूरे जिसम से अपने हाथ में मर लिया। अल्लाह को अकबर, मेरे नबी का दस्या होया तरीका है। और एकदम जबरील अमीन ने मेरे पैगंबर को पढ़ाया, बड़ा प्यारा दम याद कर लो। फरमाया बिस्मिल्लाह अरकी का मिन कुल्ले। अल्फाज कितने प्यारे ने, अल्फाज कितने चुनीदा ने, अल्फाज कितने खुशबूदार ने, अल्फाज अंदर कितनी ताजगी है। बिस्मिल्लाह अरकी का मिन कुल शय्यन युज़ी का व मिन शर्र कुल नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाह यशफी का। बिस्मिल्लाह अरकी का बड़ा वड्डा है, बड़ा औखा है। ये जड़ी तेरी मैथ की किताब है, वो नालों छोटा है। ये जड़िया तेरिया रिहादियां रियोजियां ने, नालों छोटा है। ये जड़ी जड़ी तेरी बयालोजी ते छतरालोजी, वो नालों छोटा है। बिस्मिल्लाह अरकी का मिन कुल्ली शयइन युज़ी का व मिन शर्र कुल्ले नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाह यशफी का। बिस्मिल्लाह अरकी का ये दम याद कर, अपने सीने ते बिठा लै। साडा रावी दा इलाका है ना, तुसी चले जाओ ना। कई बंदे हर वेले पिस्तौल अपने नाल रखदे ने, कई बंदे उत्थे जुमा पढ़न आउंदे ने ना मेरे कोल, तो जुमे विच वी गन्ना लैके आंदे ने। किसे ने केड़ी गन कोल रखी है, वो तू जुमा पढ़ना है ते पिस्तौल नाल चुकियां है, जुमा पढ़ना है ते जनाब जनाब लै करके अपने नाल वैपन। वो कहंदा जी मेरी दुश्मनी बड़ी है, कोई पता नहीं केड़े वेले दुश्मन हमला कर देवे। इस वास्ते हथियार कोल होना चाहिए है। कमड़िया बंदे का सब तो वड्डा दुश्मन शैतान है। शैतान लई हथियार तैयार रखिया कर। सुबह भी सुबह दे अज़कार करिया कर, शाम नू शाम दे अज़कार करिया कर। हर वक्त वैपन तेरे नाल होना चाहिए है, ताकि शैतान दा तेरे ते हमला ना हो सके। अल्लाह पाक सानू दम याद करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मैनू भी तुहानू भी सारे नू अल्लाह नजर बात तो महफूज फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।